विंध्य पर्वत और पतित पावनी गंगा के संगम तट पर बसे मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल से सटे शिवपुर स्थित राम गया घाट भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। वेदों और पुराणों में इस स्थान की महिमा का वर्णन मिलता है। त्रेता युग में रावण वध के बाद मुनि वशिष्ठ के निर्देश पर भगवान राम ने सीता व लक्ष्मण के साथ आकर अपने पिता राजा दशरथ का पिंड दान किया था। आज भी यहाँ वह शिला स्थित है जहाँ भगवान राम के बाएं पैरों के निशान मौजूद हैं। पितृपक्ष के अमावस्या पर्व पर आज लाखों की तादाद में श्रद्धालु अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हुए यहाँ पहुंचे। ऐसी मान्यता है कि पिंडदान करने का जो फल विष्णु पद गया में मिलता है, वही फल विंध्याचल के शिवपुर स्थित राम गया घाट पर किए गए पिंडदान से मिलता है। विंध्य पर्वत और माँ गंगा के पावन संगम स्थल पर लाखों वर्ष से विद्यमान रामशिला त्रेता युग के इतिहास का गवाह आज भी बना हुआ है। बृहद औसनस पुराण के विंध्य महात्म खंड में इस इतिहास की व्याख्या बृहद रूप से मिलता है। माता सीता को छुड़ाने के लिए युद्ध में रावण वध कर लौटते समय राजा दशरथ का पहला पिंडदान मुनि वशिष्ठ के निर्देश पर भगवान राम ने विंध्य पर्वत और पतित पावनी गंगा के संगम तट पर किया गया था। इस स्थान पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पैरों के निशान मौजूद हैं। यहाँ पर पिंडदान से पितरों से मुक्ति मिलती है और वह बैकुंठ धाम में स्थान पाते हैं, साथ ही अपने वंशजों को आशीर्वाद भी दे जाते हैं। मिर्जापुर से संवाददाता महेंद्र पांडे की रिपोर्ट। यहाँ पे भगवान राम और माता जानकी आकर के पिंडदान राजा दशरथ के लिए किए थे और सर्वप्रथम पिंडदान राजा दशरथ का ही यहाँ भगवान राम ने किया था। उन्हीं का प्रचलन है कि आज अमावस्या के दिन लाखों लोग आकर के रामगया घाट पर पिंडदान करके अपने पूर्वजों को आनंद के लिए पिंडदान करते हैं और पूर्वज लोग पिंडदान पा करके अपने परिवार को धर्म अर्थ काम और मोक्ष का आशीर्वाद देते हैं।